राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होता है वह भाषा जो राष्ट्र के सभी नागरिक बोलते हैं तथा उपयोग में, जैसे संविधान के अंदर या राजकार्य के अंदर जो काम में ली जाती हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजकार्य के अंदर संपूर्ण रूप से वह भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा जो राजकार्य में प्रयुक्त होती हो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो उत्तर होता है हिंदी। कब से कहलाने लगी थी? तो 14 सितंबर 1949 से। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उल्लेख कहां पर है कि भारत की राजभाषा हिंदी है? तो अनुच्छेद 343 के अंदर इसका उल्लेख है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा जन्म लेते ही अपने माता या पिता या अन्य परिवार के सदस्यों से सुनता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है।